नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस पे दोबारा स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के कुछ लेवल्स निकाल के एक वीडियो के थ्रू अपलोड किया हूं। अगर आप देखना चाहते हो तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। आप चेक करके उसके लेवल्स फाइंड आउट करके आप लेवल्स नोट करके आप ट्रेड ले सकते हो। और वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं, काइंडली प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाया हूं। और अगर आप स्किप करते हो तो आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन छूट जाएगा, जहां पे अगर आप एक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा आपको तो मार्केट में एक बड़ा लॉस का कारण बन सकता है वो। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जो भी स्टॉक मैं दिया हूँ, ज़्यादा स्टॉक नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बिजी था, फिर भी मैं आपको आपके लिए वीडियो बना के कल के लिए पोस्ट किया हूँ। तो तीन स्टॉक मैं दे रहा हूँ कल के लिए, आप देख लीजिएगा। और शुरू से मैं बताना चाहता हूँ, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से आखिर तक जरूर देखिए फ्रेंड, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अगर वीडियो को स्किप करते हो तो टोटल कॉन्सेप्ट को आप समझ नहीं पाओगे। तो चीज़ क्या है, क्यों मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और कौन से लेवल्स में क्या मूवमेंट होते हैं, क्या चीज़ का सपोर्ट है, रेसिस्टेंस कैसे है, वो सारा चीज़ आपको पता नहीं चलेगा। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ। तो काइंडली वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपके पास टाइम है, अगर कोई ग्रुप में आपके दोस्त वगैरह है तो उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो, जो ट्रेडिंग करते हैं, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको ये वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हो, जैसे कि उन्हें उस वीडियो का लिंक के थ्रू कुछ लेवल्स मिले और मार्केट में एक प्रॉफिट उन्हें भी जरूर मिले, जिस कारण से वो भी फायदे में रहेंगे और आप भी फायदे में रहेंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब के साथ साथ एक शेयर का बटन दबा के वीडियो को जरूर दूसरे के साथ शेयर कीजिए। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूं, तो मेरे मेहनत का फल मुझे जरूर मिलना चाहिए फ्रेंड। तो जो भी मैं लेवल्स आपको निकाल के देता हूँ काइंडली उन लेवल्स के ऊपर आप ट्रेड लेना से पहले आप वो लेवल्स देख लीजिए। अगर मार्केट उन लेवल्स के ऊपर आता है तब जाके आप मार्केट में ट्रेड ले सकते हो। ऐसा नहीं कि मार्केट में सिर्फ हमें पैसा कमाना है, बाय और सेल करना है, ऐसा सोच के अगर आप ट्रेड लेते हो तो मार्केट में कभी भी आप पैसा नहीं कमा पाओगे। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो और सपोर्ट रेसिस्टेंस की वेट पे रहो, अगर सपोर्ट पे मार्केट आता है तो बाय करो, अगर रेसिस्टेंस पे मार्केट आता है तो सेल करो, अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो वहाँ पे स्टॉप लॉस देके आप एग्जिट होके दोबारा वहाँ से सेल पोजीशन क्रिएट कर सकते हो, अगर रेसिस्टेंस ब्रेक करता है तो वहाँ पे स्टॉप लॉस करके वहाँ से भी एक दोबारा बाइंग पोजीशन आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है सपोर्ट रेसिस्टेंस पे बाय सेल करने का, और आपको छोटा स्टॉप लॉस भी रहेगा अगर सपोर्ट पे बाय करते हो, रेसिस्टेंस पे सेल करते हो। स्टॉप लॉस ₹2 से ₹3 का स्टॉप लॉस पे आप काम कर सकते हो। और अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। चलिए आज के लिए मैंने कुछ लेवल्स कल दिए थे उसमें कैसा मूवमेंट हुआ है, स्टार्ट करते हैं। इंडसइंड बैंक से स्टार्ट करेंगे। इंडसइंड बैंक का मैंने कल सपोर्ट बताया था 530 का, और 530 का सपोर्ट आप देखिए मार्केट ने कहाँ पर सपोर्ट लिया है, करीबन 534.50 में सपोर्ट लिया है। और मैंने रेसिस्टेंस इसका बताया था 543 के ऊपर चलेगा तो 554, और उसके ऊपर का बड़ा टारगेट मैंने 570 का दिया था, तो ये करीब आगे चल के अचीव होंगे। आप देखिए मार्केट ने एग्जैक्टली हाई लगाया है 555 यानी कि 555 का, और लो लगाया है 534 का। तो देखिए जो मैंने सपोर्ट दिया उस सपोर्ट एरिया के पास मार्केट आया, और जहां पे मैंने रेसिस्टेंस दिया था उस रेसिस्टेंस को मार्केट ने दोबारा टच करके नीचे आ गया। तो यहां पे क्या होता है ना, अगर आप सपोर्ट पे और रेसिस्टेंस पे काम करते हो तो यहां पे करीबन आपको करीबन एक अच्छा प्रॉफिट मिलता है। जैसे कि आप रेसिस्टेंस पे आपको मिला 49.70 में ओपनिंग हुआ, थोड़ा नीचे लो लगा के मार्केट ने ऊपर चला गया और वहां से नीचे आया, तो यहां पे आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलता है। चलिए और एक स्टॉक पे देखते हैं उसमें क्या मूवमेंट हुआ है। बीपीसीएल, बीपीसीएल का मैंने कल सपोर्ट बताया था 375, और 375 के नीचे का जाता है तो 370 से लेके 367 का मैंने सपोर्ट बताया था। करीबन मार्केट ने 375 में सपोर्ट लिया, और पहला रेसिस्टेंस मैंने बताया था 380, और 380 के ऊपर 387, मार्केट ने करीबन 384 समथिंग का मैंने करीबन मार्केट ने एक हाई लगाया, और वहां से करीबन मार्केट ने दोबारा नीचे आया 76-78 के आसपास, मार्केट ने 77-78 के आसपास मार्केट दोबारा आया। तो यहां पे क्या होता है ना, अगर सपोर्ट पे बाय करते हैं तो करीबन आपको 5-6 रुपये प्रॉफिट जरूर मिलता है, और ऊपर का अगर आप टारगेट पकड़ के अगर लेते तो आराम से स्टॉप लॉस आप ट्रेलिंग करते तो प्रॉफिट में बुक कर सकते थे, और वहां से अगर आप सेल कर सकते थे तो वहां पे भी एक अच्छा प्रॉफिट, आपको 3-4 रुपये का प्रॉफिट जरूर मिलता है आपको यहां पे।
तो ये होता है सपोर्ट रेसिस्टेंस पे काम करने का तरीका है। चलिए और एक स्टॉक देखते हैं उसमें क्या मूवमेंट हुआ है। आपका MFCL का मैंने दिया था, MFCL का सपोर्ट बताया था 553 और रेसिस्टेंस बताया था मैंने 565। आपने देखा होगा करीबन मार्केट ने 559 में ओपनिंग कर दिया और आपका सपोर्ट मैंने आपको बताया था 553 का, और सपोर्ट देखिए 550 पे सपोर्ट लिया है और रेसिस्टेंस बताया था 565.80 पे मार्केट ने रेसिस्ट हुआ, यानी कि उसका हाई लगाया। देखिए तो ये होते हैं सपोर्ट पे और रेसिस्टेंस पे काम करने का तरीका। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट रेसिस्टेंस पे ही घूम रहा था तो यहाँ पे आपको आराम से एक प्रॉफिट जरूर मिलता। तो नीचे के लेवल्स अगर ब्रेकआउट कर देते नीचे के टारगेट आपको अचीव हो जाते, अगर ऊपर के ब्रेकआउट तो ऊपर के टारगेट आपको मिल जाते। तो ये होते हैं एग्जैक्ट सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे काम करने का तरीका है। तो जो भी मैं लेवल्स आपको देता हूँ उन लेवल्स पे अगर आप काम करते हो तो मार्केट में कभी नुकसान होके नहीं जाओगे, तो एक अच्छा प्रॉफिट एक लेके जरूर जा सकते हो। चलिए और एक स्टॉक मैंने दिया था, उस स्टॉक में क्या मूवमेंट हुआ वो भी देखेंगे। बायोकॉन में दिया था मैंने, और बायोकॉन का मैंने सपोर्ट बताया था 410 का मैंने सपोर्ट के साथ 420 का रेसिस्टेंस, और उसके ऊपर 439 का टारगेट बताया था। उसके ऊपर भी टारगेट था पर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं किया था। करीबन मार्केट ने 447 का ओपनिंग के साथ वहां से मार्केट ने गिरना शुरू हुआ, और आपके पास एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी था 439 के नीचे। जब भी मार्केट आया वहां से अगर आप शॉर्ट का पोजीशन क्रिएट करते, क्योंकि मैं बताया हूं कि 439 आपका रेसिस्टेंस है, उसके नीचे मार्केट जब भी मिलेगा तो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते थे, और वहां से मार्केट ने गिरा करीबन 412 तक गिरा, यानी कि 410 के आसपास मार्केट आया। तो ये होते हैं अगर आप सपोर्ट पे बाय करते हो और रेसिस्टेंस पे सेल करते हो। ये देखिए आपका रेसिस्टेंस पॉइंट था 439, अगर यहाँ से आप सेल करते तो करीबन आपको एक अच्छा प्रॉफिट जरूर आपको मिलता, करीबन 15 रुपये के आसपास आपको प्रॉफिट आराम से बुक कर सकते थे यहाँ पे। तो ये होते हैं सपोर्ट रेसिस्टेंस, बहुत मेहनत करके निकालता हूँ फ्रेंड। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इतना मेहनत कोई करता है मुझे पता नहीं, शायद मैं मेहनत करता हूँ इसीलिए आप लोगों को इसका फल मिलता है। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं कल के लिए कुछ स्टॉक मैं लाया हूँ आपके लिए, उन स्टॉक पर क्या मूवमेंट हो सकता है, कैसा क्या प्रॉफिट मिलेगा वो डिस्कस कर लेते हैं। इंडसइंड बैंक से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। इंडसइंड बैंक का सपोर्ट अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ 530 का सपोर्ट के साथ 509 और 492 का आपका नीचे का टारगेट रहेंगे। दो वीडियो को स्क्रीन पे आपको पूरा दिख रहा होगा, आप उनको नोट कर सकते हो। और ये 530 एक अहम लेवल है, अगर ये ब्रेकआउट देते हैं तो करीबन आपको 509 और 492 तक के टारगेट आ सकते हैं, और बीच में एक छोटा सा एक हल्का सा सपोर्ट रहेगा 500 पर, वो इजीली ब्रेक हो जाएगा, और रेसिस्टेंस रहेगा 544 या 544। अगर इसके ऊपर चलता है तो 555 का पहला टारगेट, उसके बाद आपको 570 का दूसरा टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो जितने भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस, नीचे के टारगेट, ऊपर के टारगेट, वो सारा जानकारी मैं वीडियो को स्क्रीन पे दिया हूँ, काइंडली नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आप मार्केट में प्रॉफिट कमा लीजिए, क्योंकि अगर आप बिना नोट किए अगर आप ट्रेड लेते हो तो मार्केट में एक नुकसान का सामना आपको ज़रूर करना पड़ेगा फ्रेंड। तो काइंडली जो भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस मैं देता हूँ आपको, उनको आप नोट कर लीजिए और कल मार्केट में आप ज़रूर ट्रेड ले सकते हो। चलिए और एक स्टॉक में बताना चाहता हूँ आपको, उन स्टॉक पर क्या मूवमेंट हो सकता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। BPCL का बताना चाहता हूँ। BPCL का सपोर्ट रहेगा 375 के सपोर्ट के नीचे 370 के साथ 367 का एक छोटा सा सपोर्ट रहेगा, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये ब्रेकआउट देता है तो करीबन आपको 3558 और 340 के आसपास आपको मार्केट को दोबारा देखने को मिल सकते हैं। मैंने इससे पहले प्रीवियस वीडियो में दिया था 46-45 के आसपास, फिर फिलहाल मुझे इतना नीचे नहीं लग रहा है, और रेसिस्टेंस रहेगा 380। अगर 380 के ऊपर चलता है तो करीबन 387 का पहला टारगेट और 391 से लेकर 397 का दूसरा टारगेट। अगर 397 के ऊपर मार्केट चलता है तो 411 इसमें एक बड़ा टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कल से परसों के बीच में ये टारगेट में भी अचीव हो सकते हैं, तो काइंडली आप देख के जरूर रहिए, क्योंकि सपोर्ट रेसिस्टेंस के ऊपर ही मार्केट चलता है, तो ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे आप काम कर सकते हो। तो पूरा डिटेल्स स्क्रीन पे दिया हुआ, चेक कर लीजिएगा। कल के लिए एक आखिरी स्टॉक रहेगा MGL सॉरी, और MGL का मैं सपोर्ट बताना चाहता हूँ 962 के नीचे आपका अगर मार्केट जाता है तो करीबन 930 तक ये आ सकता है, और इसका
रेसिस्टेंस रहेगा 973, अगर 973 के ऊपर मार्केट चलता है तो 984, और अगर 984 के ऊपर चलता है तो 1019 का दूसरा टारगेट। तो करीबन आपको मैंने यहाँ पे दो टारगेट दे दिए ऊपर के और एक टारगेट नीचे के दिया हूँ, क्योंकि मुझे और नीचे नहीं लग रहा है मार्केट। अगर लग जाएगा तो करीबन 62 अगर ब्रेक करता है, सस्टेन करता है नीचे, तो करीबन 930 तक ये आ सकता है नीचे, पर फिर भी मुझे अभी नहीं लगता है। फिर भी आप देखिए, अगर नीचे के लेवल ब्रेकआउट करते हैं तो नीचे का टारगेट, और ऊपर के लेवल ब्रेक करते हैं तो ऊपर के टारगेट आपको अचीव हो सकते हैं। तो सारा जानकारी वीडियो के स्क्रीन पे दिया हुआ है, उन लेवल्स को आप जरूर चेक कर लीजिए जो लेवल्स मैंने वीडियो के स्क्रीन पे दिया हूँ। काइंडली उन लेवल्स के ऊपर ही ट्रेड कीजिए, क्योंकि मार्केट में अगर पैसा कमाना चाहते हो तो ये लेवल्स ही आपको पैसा कमा के दे सकते हैं। इसके अलावा मैं या कोई भी आपको पैसा कमा के नहीं दे सकते। तो जो भी मैंने लेवल्स दिया हूँ उन लेवल्स के ऊपर आप जरूर ट्रेड कीजिए, क्योंकि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ लेवल्स के ऊपर पैसा बनता है। सपोर्ट रेसिस्टेंस, यही दो लेवल जो है आपको, सपोर्ट बाई जोन है, रेसिस्टेंस सेल जोन है। तो अगर आप सपोर्ट पे बाय करते हो, अगर वो ब्रेक करता है जब मार्केट उसके नीचे चला जाता है, तो वो सपोर्ट उसका रेसिस्टेंस बन जाता है, तो यहाँ से आपको सेल करना है। तो टोटली यही टेक्निकल है, पूरा टेक्निकल एनालिसिस करके ही मैं वीडियो बना के देता हूँ। अगर मैं वीडियो पे टेक्निकल एनालिसिस करके आपको अगर लेवल्स प्रोवाइड करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। मुझे पता है आप लोग बहुत लंबे वीडियो नहीं देखते हो, इसलिए आप लोगों के लिए मैं लेवल्स निकाल के वीडियो बना के देता हूँ। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बना के लाता हूँ फ्रेंड। हर रोज़ कुछ ना कुछ वीडियो बना के जरूर लाता हूँ, हर रोज़ कुछ ना कुछ स्टॉक के लेवल्स में निकाल के जरूर आपके लिए लाता हूँ। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ साथ आप मेरे चैनल को दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए, चैनल का लिंक जरूर प्रोवाइड कीजिए दूसरों को। आप जैसे पैसा कमाते हैं, दूसरे भी ऐसे ही पैसा कमाना चाहिए। तो आप लोगों के लिए पूरा डिटेल मैं वीडियो के स्क्रीन पे दिया हूँ, काइंडली आप चेक करके कल मार्केट में जरूर ट्रेड लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही फ्रेंड, धन्यवाद।